नमस्कार दोस्तों, मैं साधना यादव गार्डन में आकर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए आज मैं आपको दो प्लांट से के सामने रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। ये देखिए फ्रेंड, आज ये मेरी ये दोनों प्लांट बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये प्लांट मैंने गिफ्ट किए हुए हैं। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो उनके जन्मदिन पर ये मैंने उनको गिफ्ट किए हैं। फ्रेंड ये देखिए, वो यहाँ पर है नहीं, वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, मगर हमने बच्चों ने ये प्लांट उनको गिफ्ट किए हैं। ये मरंटा है और ये जैस्मीन है, कलकत्ता की वैरायटी है। फ्रेंड ये देखिए बहुत अच्छी है, ये क्रीपर है एक तरह से, और इसमें देखिए बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जो रहते हैं जैस्मीन उसमें मेरे कम फ्लावर आ रहे हैं, इसमें देखिए फ्रेंड कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड, चलिए बात करते हैं मरंटा किससे आते हैं, इसकी पहले मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड ये बहुत ही वेल ड्रेन सोल होने चाहिए। फ्रेंड इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल पोरस, जैसे हाथ में लेते ही मिट्टी भुरभुरी हो जाती वैसी है। इसको कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो इसका प्लांट मर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड ये बहुत ही नाजुक प्लांट है, बहुत ही अच्छा, जो सिर्फ आपकी हल्की सी रोशनी, जो बल्ब की रोशनी होती है उसमें भी ग्रो कर जाएगा। शेड लविंग प्लांट है, हल्की सी बिल्कुल हल्की सी इसको रोशनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा चलता है। फ्रेंड ये इसकी पत्तियों में देखिए फ्रेंड बहुत शाइनिंग करती है, ये साउथ अमेरिका साउथ इसमें बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी अनगिनत वैरायटियाँ हैं मरंटा की, बहुत ही ज़्यादा, अब तो हमारे भारत में भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। फ्रेंड ये देखिए इसका, देखिए फ्रेंड इसमें फूल भी आ रहा है, ये देखिए फूल बहुत छोटा सा है, वाइट कलर का फूल है। ये देखिए आपको मैं और दिखाती हूँ पास से, देखिए फ्रेंड ये फूल भी आ रहा है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए यहाँ से इसकी नई नई रूट्स निकल रही हैं, देखिए फ्रेंड ये देखिए एक ये निकल रही है, ये देखिए एक ये निकल रही है, ये निकल रही है, देखिए फ्रेंड ये आ रही है, पत्तियों बहुत शाइनिंग होती है। फ्रेंड इसमें क्या है, खाद इतना कोई खाद पानी इतना नहीं देना पड़ता। फ्रेंड इसको हल्की सी वर्मी कंपोस्ट दीजिए, एक महीने में दीजिए, क्योंकि ये 9 अक्टूबर तक बहुत अच्छे प्लांट बहुत अच्छा घना हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ, लीव्स नई नई पत्तियाँ निकलेंगी। सर्दियों में से पत्तियाँ निकलनी बंद हो जाती हैं क्योंकि उनका जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, तो ये पत्तियों के इसकी ग्रोथ रुक जाती है फ्रेंड, वहीं ठहर जाता है। और ये देखिए अभी ग्रोथ बहुत अच्छी है, अभी ये बहुत अच्छी ग्रो करेंगे पूरे अक्टूबर तक। और फ्रेंड ये बहुत ही लो लाइट वाले प्लांट हैं, इसको हल्की सी रोशनी में आप रख सकते हैं, अपने अंदर घर के अंदर रख सकते हैं, लिविंग रूम में रखिए, डाइनिंग रूम में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं फ्रेंड। और बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, वाटरिंग इसको कहते हैं, तो फ्रेंड इसको पानी रेगुलर अगर घर के अंदर रखे हुए हैं फ्रेंड तो देखिए इसको रेगुलर पानी नहीं देना है, क्योंकि पानी दबी दीजिए जब इसकी मिट्टी हल्की सी ऊपर से ड्राई हो जाए, अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ रूट जो है वो गल जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी और आपका प्लांट बिल्कुल मर जाएगा। तो फ्रेंड इसकी देखिए, क्योंकि अंदर जो हम प्लांट रखते हैं फ्रेंड वो आपको देखिए, क्योंकि इनकी मिट्टी इतनी जल्दी नहीं सूखती है और 2 दिन में 3 दिन में ही पानी इनको देना पड़ता है, उनके हमेशा मिट्टी जो मॉइस्ट रहती है, जो हमने शेड में रखे हुए हैं, जो बाहर रखे हुए हैं टेरिस के ऊपर रखे हुए हैं फ्रेंड, उनको दोनों टाइम पानी देना पड़ता है क्योंकि कड़ी धूप में है और ये बहुत बिल्कुल अंदर हैं, तो इसलिए इनको पानी आप देख के दीजिए, अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है तभी फ्रेंड पानी दीजिए, अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो पानी इसको बिल्कुल मत देना, क्योंकि नहीं तो आपका जो प्लांट है वो गल जाएगा। बहुत अच्छा प्लांट है, प्लीज लाइए और इसे ज़रूर लगाइए फ्रेंड। सेकंड नंबर पे देखिए ये जैस्मीन है, देखिए फ्रेंड ये फ्लावर बिल्कुल बंचों में बिल्कुल कितने सारे देखिए बंचेस में आते हैं, ये देखिए फ्रेंड ये देखिए बहुत बड़ा फ्लावर आता है, बहुत अच्छी खुशबू है, ये क्रीपर है, ये देखिए फ्रेंड कलकत्ता की वैरायटी है, और ये देखिए ग्राफ्टेड है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड ये ग्राफ्टेड है और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत आपको पता, आप लोग भी जानते हैं और बता भी चुके हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इस पर, कि ये बहुत हैवी फीडर होते हैं फ्रेंड, इनका सीज़न है, अभी गर्मी में ये फूल फ्लावरिंग करेंगे, सर्दी में बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं और ये नवंबर का दिन की फ्लावरिंग रुक जाती है, फिर ये फ्लावरिंग नहीं करते, मार्च में आकर फिर ये थोड़ी सी इनकी प्रूनिंग कर देते हैं फरवरी में, तो ये मार्च में आकर अप्रैल में फ्लावरिंग करने लगते हैं, तो इनको फ्रेंड
खाद पानी बहुत देन अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि ये अगर इनको बिल्कुल फुल सनलाइट चाहिए इसको, फुल तो नहीं मतलब 2-3 घंटे की सुबह की रोज धूप बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरी है फूल वाले पौधों के लिए। और इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप दी दिखाइए फ्रेंड, और पानी दोनों टाइम दीजिए इसको। और इसको इसके लिए वर्मी कंपोस्ट चाहिए, क्योंकि इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जो खली सरसों खली बताई है मैंने आपको पहले, नहीं बताया तो मैं अपना वीडियो डालूंगी इस अभी अपना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊँगी सरसों खली कैसे बनाती हैं, इसको ऑर्गेनिक कैसे बनाना है। और आपने बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा काऊ डंग नहीं है फ्रेंड, उसको आप 2 मुट्ठी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। 15 दिन में आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा खाना पानी मांगते हैं, अगर इनको प्रॉपर तरह से खाना नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग कैसे होगी फ्रेंड। अब आप लोग जानिए, अगर हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे चलेंगे फ्रेंड। ऐसे ही प्लांट का है, क्योंकि इनका सीजन है तो इनको खाना पूरा चाहिए, पूरी खुराक चाहिए, खुराक अच्छी होगी तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। इसमें ध्यान दीजिए फ्रेंड, इनको जो 15 दिन में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इनमें, क्योंकि इनको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। और आप इसमें वेनीगर जो सिरका होता है वाइट वाला, वो भी आप डाल सकते हैं पानी में डालकर इसको फ्रेंड। तो ये सब चीज़ आपने प्लांट में दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। NPK और आप इसको जो 20-20 है, 90-19 है, वो दे सकते हैं, और इसको पानी में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड ये जड़ से जल्दी ये पत्तियों में जो हम देते हैं स्प्रे करते हैं जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं पत्तियों से ज़्यादा, क्योंकि ये जड़ों में ज़्यादा देर तक पहुँचते हैं, मगर पत्तियाँ उसी टाइम इसको ग्रहण कर लेती हैं, और तो रिजल्ट जल्दी बहुत अच्छा मिलता है फ्रेंड। और इसको फुल लोकेशन इसको धूप में रखना है, इसको छाया बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पानी नहीं, जब ये धूप में रहेगा फ्रेंड तो इसको दोनों टाइम पानी हमें देना है, तो आप दोनों टाइम पानी दीजिए इसको, जो जो आपको खाद पानी बताया है वो दीजिए, और आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा फ्रेंड। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे प्लांट आपको कैसे लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।